नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हम प्लम्बर भाई डक्ट में सॉइल वेस्ट वाटर लाइन और वेस्ट वाटर लाइन आउटलेट करके उसे बाहर से भी कनेक्ट करते हैं डक्ट में। पर दोस्तों, कभी कभी जो है डक्ट में 5-6 पॉइंट निकल जाते हैं और उसे जोड़ने के लिए हमें बहुत सारे फिटिंग्स और बहुत सारे पाइप्स भी लगते हैं। पर दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा फिटिंग लेके आया हूँ जिसका इस्तेमाल आप जहाँ पर 5-6 पॉइंट निकला हुआ हो आप उस फिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस फिटिंग का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़्यादा पाइप भी नहीं जाएगा और ना ही ज़्यादा फिटिंग्स जाएंगे। आपका उस एक ही फिटिंग से पूरा 5-6 लाइन आप उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिटिंग का नाम है एरेटर। दोस्तों, इसमें टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। 6 पॉइंट्स में से ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है वह 110 mm के होते हैं, जो कि 4 इंच का होता है, और नीचे के जो 3 पॉइंट है वह 75 mm के होते हैं। और दोस्तों, इस तरह से आप अगर इसको डक्ट में लगाएंगे तो आपके जो बहुत सारे पाइप्स निकले हुए हैं आउटलेट सॉइल वेस्ट वाटर और वेस्ट वाटर के, तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दोस्तों 3 पॉइंट सॉइल वेस्ट के 110 mm के निकाले गए हैं, तो आप तीनों में कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एंड कैप मार के रख सकते हैं। नीचे सेम उसी तरह से 75 mm के वेस्ट वाटर के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप तीनों में भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो प्लग मार के भी रख सकते हैं। और इस तरह से आपका एक ही पाइप में आप 6 आउटलेट पॉइंट ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों आपकी फिटिंग की भी बचत होती है और पाइप का भी बचत होता है। इसमें पानी का जो वाटर सर्कुलेशन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से होता है, उस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसमें जो एयर वेंटिलेशन है वह भी बहुत अच्छी तरह से पास होता है, उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ऑल ओवर दोस्तों, यह जो फिटिंग है काफ़ी बेस्ट है। अगर आपका 5-6 पॉइंट निकल रहा हो डग में तो आप इस फिटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 110 mm का जॉइंट और 3 75 mm का पाइप ज्वाइंट कर सकते हैं इस एक फिटिंग में। और दोस्तों, यह जो फिटिंग है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और नहीं रहेगा तो दुकानदार आपको मंगा के यह फिटिंग दे देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इस फिटिंग के कॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यह जो फिटिंग है आपको 2100 से 2200 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो है ना कमाल की फिटिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे प्लम्बिंग के मैं नए वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।